गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार वीडियो डालने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि कुछ दिनों से मेरा मॉर्निंग बहुत ही बैड चल रहा था। कुछ दिनों से क्या हो रहा था, जब भी उठ रही तो किचन में घर के आसपास कुछ मतलब ऐसे पॉटी टाइप दिख रहा था, पर चूहा का नहीं था, पर मतलब जो छिपकली होता ना वैसा भी नहीं था, तो थोड़ा सा अलग था। तो मैं सोच रही थी कि क्या घुस रहा है, फिर बाद में पता चला कि वो छुचंदर है। मतलब चूहा जैसा एक होता है ना वो वाला, कुछ काटता तो नहीं है, पूरा चीज़ जो है वो गंदा करता है। सो पीछे जो रैक आप देख रहे हो उसमें मेरा सारा सामान था, नीचे ट्रॉली रखा हुआ था और बेटू वगैरह की कपड़े भी था। तो एक दिन बेटू की एक ड्रेस निकाली तो देखा कि उसमें भी पॉटी है, तो वहाँ से जब मैं सामान हटा रही थी तो देखा वहीं पर वो छुपा हुआ था, और हस्बैंड भी अभी घर पर नहीं थे। तो मुझे मतलब डर भी लग रहा है कि मैं मार भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने तब क्या किया, पूरा घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, जितने भी दरवाज़ा था किचन का, रूम्स का, और बाहर का मेन डोर मैंने खोल दिया ताकि वो बाहर निकल जाए। और जैसे ही मैंने वो किया और आके देखा तो वो नहीं था उधर। तो फिर से जो हुआ तो कहाँ घुस गया पता नहीं। तो दो दिन फिर से मैंने देखा पॉटी वगैरह, तो हस्बैंड बोला कि चलो मैं जाके देखती हूँ। तो ऐसा ही चल रहा था मेरे घर में कुछ, आप देख सकते हो पीछे का हालत भी कुछ ऐसा ही है। नीचे का जो भी चीज़ें मैंने था पूरा हटा के मैंने साफ़ कर रखा है एकदम, ताकि वो फिर से अपना गंदगी ना मचा पाए। जब मैंने वहाँ से ट्रॉली हटाया ना तो मतलब वॉमिटिंग करने वाला हालत था, इतना गंदा करके रखा था उसने, मतलब पॉटी करके पूरा पहाड़ बना दिया था। ज़्यादा दिन घुसा भी नहीं था, 5-6 दिन ही मैंने देखा था उसका पॉटी ऐसे किचन वगैरह में, और ऐसा हालत हो गया था। तो चलिए, पहले तो सुबह ही उठ के मैंने डुगू को फ्रेश कर दिया है, और आप तो डुगू का बदमाशी देखते ही हो, बहुत ही नॉटी हो गया है आजकल। और आज एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देना है कि आज बेटू की एडमिशन होने वाली है, कल उसके स्कूल से कॉल आया था तो आज मुझे जाना है, हस्बैंड भी नहीं है। वैसे मुझे थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है क्योंकि डुगू है, इतना छोटा भी है वो, तो पता नहीं मुझे अच्छे से काम करने भी देगा या नहीं, और इसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है गाइस। तो मुझे थोड़ा सा मतलब डर भी लग रहा है कि मैं सारा काम अच्छे से कर पाऊँगी भी या नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी सब कुछ संभालने की। तो चलिए अभी डुगू को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ, हमें निकलना है 9 बजे से पहले ही, क्योंकि जो टाइम है 9 बजे से 12 बजे तक का है, तो मुझे जाना है। सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार करके रखा था, कल ही रात को ही कर लिया था, जो भी जेरॉक्स वगैरह चाहिए था, फोटोकॉपी, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा है। जस्ट अभी बच्चे लोगों को मैं नाश्ता करवाऊँगी, मैं भी करूँगी। डुगू उठ गया है आज जल्दी, थोड़ा सा उठा है तो मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो गया है, घर का जो भी काम था मैंने फटाफट से कर लिया है। और आज सुबह बारिश भी हो रहा था, तो कल शाम को ना मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, मतलब वही जो गंदा कर दिया था कपड़ा वही धोया था, और फिर अभी सुबह उठा के लाई हूँ क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया, सूखा नहीं था तो ऐसे ही मैंने बिछा के रखी हूँ अभी फ़ैन चला के। अभी बारिश तो कम हो गया है बट आसमान अभी भी अंधेरा अंधेरा टाइप है कुछ। तो चलिए अभी थोड़ा सा प्याज मिर्च काट के ना आज सोच रही हूँ बहुत ही जल्दी वाला ब्रेकफास्ट बना लूँ, तो एक टोस्ट बना रही हूँ बेटू के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मेरे में जो टोस्ट है उसमें थोड़ा सा मिर्च और प्याज डालूंगी। और एक न्यूज़ है कि आज हस्बैंड भी आने वाले हैं, बट उनको आते आते रात के 10 बज जाएंगे, अगर वो सुबह सुबह आ जाते तो अच्छा होता, तो एडमिशन के लिए वही स्कूल चले जाते हैं, बट वो तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉल आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है, अभी फटाफट से कर लेते हैं, फिर तैयार होना है, बच्चे को भी तैयार करना है और फिर निकलना है। मतलब बेटू को संभालना तो कोई ऐसा बात नहीं है, पर डुगू को लेकर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके बाहर का काम। तो मैं थोड़ा सा दुकान भी चली गई थी कुछ सामान लाने, क्योंकि आते आते शायद थोड़ा सा हमें देर हो जाए, तो मुझे लंच भी बनाना है, तो मैं कुछ कुछ प्रिपरेशन करके जा रही हूँ ताकि मैं आके फटाफट से लंच बना पाऊँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप देखिए, तो अभी देखिए 9:15 हो गया है, फिर भी मैं लेट हो गई हूँ। अभी मुझे ऑटो देखना है, फिर जाना है क्योंकि स्कूल थोड़ा सा दूर है, यहाँ से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर दूर है स्कूल। तो चलिए, फिर मैंने ऑटो भी कर लिया, ऑटो ओला में से जो ऑटो बुकिंग होता है यहाँ पे, तो आ ही नहीं रहा था, लोकेशन मिल नहीं रहा था, तो मुझे चल के जाना पड़ा 500 किलोमीटर इस धूप में डुगू को गोदी में लेकर। तो हालत एकदम ख़राब हो गया है, फाइनली ऑटो में चढ़ गए हैं। तो चलिए चलते हैं,
और पहुँचते पहुँचते तो 9 बज के निकल ही चुके थे, 9:30 हो चुका था, पर जाके देखा कि स्टार्ट नहीं हुआ था एडमिशन, जस्ट पेरेंट्स जो है वो आके बैठे हुए थे। तो चलिए एडमिशन हो गया है गाइज, एक बड़ा काम हमारा कंप्लीट हो गया जिसकी वजह से इतना दिन हम परेशानी में थे, तो वो ही काम हो गया। अभी जस्ट 1-1.5 महीने बाद ही बेटी स्कूल जाएगी, तो फिर हम वापस आ गए और अभी खाएंगे थोड़ा सा आइसक्रीम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और डुगू को गोदी में लेकर काम करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है गाइज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है अभी। तो उसको आइसक्रीम दे के बिठा दी हूँ और मैं बना रही हूँ अभी लंच, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल बनाई हूँ, थोड़ा सा राइस चढ़ा दी थी और सोयाबीन जो भिगो के रखी थी उसका एक करी बना दिया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मतलब लगभग 2 से 2.5 घंटा डुगू को मतलब एकदम हाथ में ऐसे गोदी में लेके काम किया ना, तो मेरा हाथ में पूरा दर्द हो गया है। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।